भाई को अहमियत देते, उनके लिए हम अपनी जान की फिक्र नहीं करते। आज हमारे आंसू उनको नहीं दिख रहे, कहाँ है वो हमारे बीच, कहाँ है वो? हम आपसे इल्तिजा करते हैं, हम आपके लिए दुआ करते हैं कि आप हमारे बीच आए, हमारी तकलीफ को जाने, हमें पहचानिए। मुसलमान भाई ने हमारी धूप में कर रही है, जिसे पर्दा नशीन होना चाहिए, अपनी तकलीफ के लिए वो रोड पे आ चुकी है। हिंदू बहने, मुस्लिम बहने, सब मेरे भाई, सुबह से देखिए आप आवाज निकाल के, खाना नहीं, पानी नहीं, सब एकजुट होकर एहतजाज कर रहे हैं। ये देश है ये वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, ये लोगों को बहका क्यों रहे हो आप लोग? इनकी नाजायज तकलीफ देके क्या हमें आतंकवादी बनाना चाह रहे हो? हमारी यूनिटी को करना कमजोर करना चाह रहे हैं। आप आओ नदी में उतरो हमारे साथ, मापो आप नदी, लैंड ग्रैबिंग कहाँ है? कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ। सर्वे का गुजारिश है कि वो नदी का सर्वे फिर से कराए, फिर उसके बाद अंदर आने दिया जाए। ना जाए हर घरों पे स्टैम्प मार के लोगों की तबीयत खराब हो जा रही, कोई भी लोग खुशनुमा नहीं है। हर क्या जुमे का दिन है, लोग इबादत करते, इबादत छोड़ के परेशानी में फिर रहे हैं। हाँ मैं असद साहब, अकबर साहब से इत्तेजाद करें, कल हमारे जुल्फिकार साहब चानमार एमएलए आए थे अंदर और हमें दिलासा दिए हैं कि कुछ नहीं होगा। लेकिन जो स्टैंपिंग कर रहे हैं, उस स्टैंपिंग के बारे में पूछिए आप, ये क्या ये मुसीबत यहाँ तक था? आप यहाँ तक क्यों मारे? हमको वो चाहिए, आप बाद में जो होता हो, लेकिन आप यहाँ तक मारे क्यों? अकबर साहब के नॉलेज में, असद साहब के नॉलेज में ये बात डाले ने डाले आप? मुसी रिवर के करीब हाईकोर्ट भी ये दीवार सफीली इधर किस लिए बनाए थे? ये तो यानी आई थी, गंडी पेट का दरवाजा टूटा था, उसलिए लोगों की हिफाजत के लिए बनाए थे। उतनी बड़ी नदी नहीं थी ये, नदी में कोई बड़ा पानी नहीं बहता, आप जाके देखो, आप लोग कुछ भी पानी नहीं बहता, चुप ना जाए तो नदी की हवस के अंदर ना जाए। नदी का सहारा लेके पूरे अवाम को परेशान कर रहे हैं। जो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई एक थाली में खाते हैं, उनकी थाली में फूंक डाल रहे हैं ये लोग।